हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विथ एनदर न्यू फ्रेश ब्लॉग। के को होरबाजी हो यस्तो। सो गाइस, अभी मैं हूँ कोरोनेशन ब्रिज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो बारिश की वजह से ना काफ़ी बढ़िया से मौसम खिला हुआ है और जो फॉग वगैरह अच्छी तरीके से लगा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे पूरा एकदम। और बारिश की वजह से ना ये जो रिवर का जो है वाटर लेवल भी थोड़ा हाई हुआ है। और यहाँ पे देखिए फॉग काफ़ी बढ़िया से। और गाइस, इससे पहले वाला जो ब्लॉग देखिए आपने, जो कि विनोद तामंग जी का, वो ऑल इंडिया राइड पे निकल चुका है। और ये जो है उसी दिन का दूसरा ब्लॉग है, दूसरा पार्ट है। क्योंकि अभी मुझे जाना है टिस्टा की ओर और उधर पे जाके मुझे जो त्रिवेणी में एक तो न्यूज़ करना है। और उसके बाद में जो पेशोक में जाके करना है। उसके बाद में जो है ना नाइट स्टे जो होगा मेरा पेशोक में होगा। तो पेशोक में एक्चुअली वहाँ पे कैंपिंग का जो क्या बोलेंगे उसको, कैंपिंग वो अरेंज करता है, जो कि हिल टॉप में कैंपिंग का अरेंज करता है। तो फिर वहाँ से मुझे ऑफ़र आया है। उस कंपनी का नाम तो मुझे पता नहीं, फिर भी उसका नाम जो है वो जो मुझे दोस्त बोलेंगे या भाई बोलेंगे जो भी है, उसका नाम है दीपक जी को मुझे वहाँ पे जाके फ़ोन करना है। उसके बाद में उससे मुलाकात करने के बाद में अगर वेदर अच्छा रहा ना तो हिल टॉप में जाके हम लोग कैंपिंग करेंगे। और सारा कुछ अरेंजमेंट वही लोग करके दे रहे हैं। और एक्चुअली कहे तो ये स्पॉन्सर वीडियो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी स्पॉन्सर थोड़ा बहुत किया है वो दीपक जी ने। तो पेशोक में जाके मैं आप लोग को दिखाऊँगा। ठीक है, बीरपाड़ा भन न। तो गाइस, मौसम जो है ना बारिश की वजह से काफ़ी खिला हुआ है अभी। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया हुआ है। देखें यहाँ पे किसने दिया? तुमने दिया? मैंने दिया, दिया ना, ले लिया नहीं, मेरा पास हो रहा है, दे दिया इसको। वाह, बहुत बढ़िया। नाम क्या है भाई तुम्हारा? उकील एडवोकेट है तू। चलो, इसका तो नाम में उकील है, एडवोकेट नहीं। कहाँ से? माल बाजार से। कहाँ जा रहा है? सिक्किम जा रहा है, काम करने के जा रहा है। अच्छा, तो देखिए उकील का बड़ापन, एनिमल लवर है ना ये। और ये भी छीन लेगा। मैं एक दिन आया था यहाँ पे, हेलमेट वगैरह सब कोई छीन रहा था, मतलब ऐसे करके पूरा शीशा वो कर रहा था बाइक का। हाँ, आराम ही होता है। देखो सामने हो रहा है ना, क्या करेगा? पूरा एकदम डर सा लग जाता है एकदम। ये पूरा एकदम खा रहा है, आराम से हाथ से दे दिया। चुन के खा रहा है। हाँ, टूथपिक से खाओ। फेंक दिया। और देखिए इधर पे पूरा रखा हुआ है उसने ना। हाँ, पूरा एकदम गले पे पूरा रखा हुआ है। साला दांत ऐसा होता है, साला यही ऐसे करके करता है ना। तो पूरा डरावना लगता है। चलो गाइस, ऐसे भी करना चाहिए, एनिमल लवर भी होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि आफ्टर ना यहाँ पे एक कुछ सीन हुआ था कुछ दिन आगे यहाँ पे, जो एक फिल्म शूटिंग के दौरान यहाँ पर कुछ लाइक एक एक्सीडेंट तो नहीं बोल सकते, वो एक्सीडेंट करवाया गया था। ठीक है, शूटिंग के दौरान यहाँ। अरे क्या कर रहा है भाई, इधर मत आना। ये तो ऐसा देख पूरा एकदम ये लोग का आदत सा हो गया है कि कुछ चीज़ छीनने का। हाँ, तो इस ये लोग से भी बचना चाहिए ब्लॉगिंग करते समय। तो मैं कह रहा था यहाँ पे कुछ लाइक विस्फोट की तरह करवाया गया था वो एक्सीडेंट। कुछ वेब सीरीज़ का वो था। उसके बाद में ना इधर पे पूरा नो पार्किंग कर दिया है। देखिए आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे अंदर घुस के हम लोग पहले, इससे पहले लिया था, मैं फ़ोटो वगैरह लिया था, यहाँ से ड्रोन फुटेज वगैरह भी लिया था। तो हालाँकि आज वेदर जो है उतना क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पर ड्रोन फुटेज नहीं लेता हूँ। उसके बाद में अभी यहाँ पर चलते हैं त्रिवेणी की ओर चलते हैं, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम कैंपिंग किया था वो वाला। ठीक है गाइस, तो बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूलें गाइस। तो बने रहिए ब्लॉग पे, एक ही बार में मिलते हैं रास्ते पे। गाइस, यहाँ पे आप देखिए एक और राइडर जाते हुए, शायद सिक्किम राइड कर रहा होगा वो। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? कुछ भी यार से। कहाँ सिक्किम जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, अच्छा। परमिट वगैरह हो गया क्या? परमिट अच्छा दे दिया, वो बनाने के लिए दिए हैं। अच्छा। क्या गुरुद्वार भी जाएंगे क्या? अच्छा कल, ओ अच्छा, चलिए ठीक है। तो मुझे भी सिक्किम राइड करना पूरा एकदम अभी मतलब मन तो लग रहा है, लेकिन क्या है ना गोरुदोंगमार के उधर पे टू व्हीलर जो कि स्कूटी विदाउट गियर वाले को नहीं दे रहा है बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं फिर भी पूछ लेते हैं एक बार ना, क्योंकि गोरुदोंगमार जो है हार्ट ऑफ द नॉर्थ सिक्किम है, तो अगर आप नॉर्थ सिक्किम करेंगे तो गोरुदोंगमार नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन इस बार जो मानसून ना जल्दी स्टार्ट हुआ जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि उतना गर्मी का मौसम आया भी नहीं था कि बारिश आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि हर कोई जा रहा है नॉर्थ सॉरी ऑल इंडिया राइड, मुझे भी जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन क्या करें अपना तो बजट भी कम है, बजट है ही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने दार्जिलिंग और कालिम्पोंग राइड में जो बजट था वो वहाँ पे लग गया। उसके बाद में और सिर्फ राइड नहीं था ना वो, तो उसमें कैंपिंग था, उसके बाद में पैराग्लाइडिंग क्या बोलते उसको राफ्टिंग, ये सब था, इसीलिए बजट ज़्यादा लग गया। और ये जो है रेलवे लाइन का काम चल रहा है इधर पे, तो वो सब होने के कारण से बजट जो मेरा बढ़ गया, नहीं तो जाना और आना उसमें नहीं लगता, देखने में ही नहीं लगता है, पहुंच के आने में नहीं लगता है, सिर्फ पेट्रोल खर्चा, खाना खर्चा और मेंटेनेंस खर्चा और होटल खर्चा। तो लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करेंगे ना, जैसे कि मेरा मेन बजट जो है ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में चला गया, पैराग्लाइडिंग का 2-3 हज़ार लग गया, उसके बाद में राफ्टिंग का वैसे ही उतना नहीं लगा, और उसके बाद में फिर कैंपिंग का और उधर पे रोप वे, ये मतलब 3-4 मैं एडवेंचरस चीज़ें किया अपने लाइफ में, जो मैं कब से सोच रहा था। अगर मैं मतलब लाइक वो और दूसरा वगैरह कुछ नहीं करूँ ना, तो उससे भी मेरा दिल भर जाता है गाइस। तो अभी ना काफ़ी बढ़िया, देखिए इधर पे एकदम मानसून के टाइम में राइड कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। वाह गाइस वाह, यहाँ पे देखिए गाइस टिस्टा नदी का जो कलर है ना अलग लेवल का कलर है, और वो जो नदी का जो पानी जो है ना, पानी के ऊपर इस तरीके से भाप उठा हुआ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए काफ़ी बढ़िया, एकदम पता भी नहीं चल रहा है कि ये पानी जो है बहा रहा है, देखिए काफ़ी बढ़िया लैंडस्केप यहाँ पे। चलिए ऐसे ही खूबसूरती देखने को मिलेगा हम लोग को जहाँ जाएंगे ना, पहाड़ का खूबसूरती यही जो है कालीझोड़ा, ये जो है कालीझोड़ा ये जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड होते रहते हैं। कालीझोड़ा थोड़ा नीचे गया और इसके ऊपर यहाँ पे ये लैंडस्लाइड वाला एरिया, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ त्रिवेणी में, और यहाँ पे त्रिवेणी में मेरा थोड़ा सा काम था जो कि कवरेज का काम था। और जैसे कि आप लोग लास्ट टाइम का जो ब्लॉग जो था मेरा कालिम्पोंग और दार्जिलिंग राइड वो देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड डे में मैंने यहाँ पे कैंपिंग किया था, जो कि कैंपिंग मैंने किया था ना, जो सर्विसेज मैंने आप लोग को हालांकि देखा नहीं पाया, क्योंकि गोप्रो में जितना भी था वो फोटेज वगैरह थोड़ा करप्ट होने के कारण से मैंने दिखा नहीं पाया। लेकिन जहाँ से मैंने सर्विस लिया वो भाई अभी मुझे मिला है, तो वो दोस्त मिला है, तो उसको मैं मुलाकात करवाना चाहूँगा जी। यहाँ पे देखिए सूरज जी है, तो सूरज जी काफ़ी बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सूरज जी से थोड़ा जानेंगे कि वो लोग का जो कंपनी का नाम क्या है जिससे वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हाँ सूरज जी बताइए थोड़ा सा, ये आप लोग का जो सर्विसेज जो कि मेरे काफ़ी पसंद में आया, ये इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हमारा ग्रुप का नाम है पायल एडवेंचर एंड वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में त्रिवेणी कैंपिंग पायला सर्विस, ठीक है। तो ऐसा है हमारा पैकेज, ऐसा रहता है 1500 पर पर्सन, उसमें डिनर मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, बॉनफायर, चिकन बारबेक्यू, और टेंट रहता है। टेंट के अंदर पीलो, ब्लैंकेट, मैट्रेस सब रहेगा। टेंट के आगे गार्डन अम्ब्रेला और चेयर टेबल सेटअप होगा, और वॉशरूम है। वॉशरूम इंडियन वेस्टर्न दो ही है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस में है, उतना ऊपर उठना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ में कैंपिंग के साथ में आप लोग क्या क्या और करवाते हैं? जैसे कि मैंने उस दिन करवाया राफ्टिंग वगैरह, ये लोग उसमें आपको कैंपिंग का अलग रहता है और रिवर राफ्टिंग भी अलग, आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हो ऐसे? ठीक है। और पैराग्लाइडिंग भी करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग का नंबर दे दीजिए, एक बार नंबर बोल दीजिए। नंबर है मेरा 8250012538। ओके, करना ना भूले। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कैंपिंग करना, काफ़ी बढ़िया कैंपिंग लोकेशन है। साथ में जैसे कि सूरज जी ने बताया अपना नंबर और साथ साथ में सर्विसेज की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में और नीचे जो फ्लैश कर दूंगा उसका नंबर सूरज जी का, और साथ में यहाँ पे कैंपिंग उसका जो टोटल पैकेजेस उसने बता दिया, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं ना। ठीक है, जब भी आएंगे आप सिक्किम के लिए आएंगे, दार्जिलिंग कालिम्पोंग के लिए आएंगे, ज़रूर यहाँ पे त्रिवेणी में एक रात तो ज़रूर ठहर के देखिए, अलग लेवल का एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा। सो बने रहे ब्लॉग पे। यहाँ से अभी मैं निकलता हूँ पेशोक की ओर। सो मिलते हैं रास्ते में गाइस। सो गाइस अभी मैं आया हूँ पेशोक में, और पेशोक में यहाँ पे शोभा किरण होम स्टे में मैं थोड़ा रुका हूँ, और यहाँ से थोड़ा ऊपर मुझे गार्लंग की क्या, अरे गार्लंग में मुझे जाना है, और वहाँ पे जाके ना मुझे दीपक जी से मुझे मुलाकात करना है। उसी के थ्रू से मैं आया था, तो वहाँ पे शायद आज उधर ही होम स्टे होगा मेरा। तो उसके बाद में वहाँ पे एक प्लानिंग है, अगर वेदर अच्छा रहा तो फिर हम लोग वहाँ पे कैंपिंग साइट में जाके कैंपिंग करेंगे। और जितना भी है ना, जिस तरीके से मैंने सोलो कैंपिंग किया था उसी तरीके से ये भी कैंपिंग रहेगा सारा। और ये स्पॉन्सर भी बोल सकते हैं, इसको स्पॉन्सर किया गया है दीपक गुरुंग जी ने। तो देखते हैं, और हालांकि मैं उससे पहचानता नहीं हूँ, लेकिन बात हुआ है हमारा कि ओवर द फ़ोन बात हुआ है, और फर्स्ट टाइम मिलूँगा उससे। और ये जो है ना लोकल ये एरिया में काफ़ी सारे होम स्टेज है, और ये भी एक तरीका होम स्टे है। तो यहाँ पर आप अगर पेशोक एरिया में आएंगे, वहाँ पे नज़दीक में एक स्कूल है, उसके राइट साइड में ये होम स्टे है किरण। तो आप लोग भी अगर ये पेशोक एरिया में आते हैं, व्यू पॉइंट काफ़ी बढ़िया बढ़िया है, शोभा किरण होम स्टे में आना मत भूलिए, और देखते रहिए प्रधांश ब्लॉग को गाइस। मेरा यहाँ पर खाना आ चुका है, शोभा किरण होम स्टे का खाना ट्राई कर रहे हैं अभी। यहाँ पे देखिए, तपाईँको नाम देखिए पो, राजीव योंजन जी मुझे खाना सर्व कर दिया मेरा। और यहाँ से खाना खाने के बाद में ना मैं डायरेक्टली निकलूँगा गार्लंग। ठीक है, तो गार्लंग डाँडा तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वैसे अगर वेदर अच्छा रहा तो ये हमारा प्लान सक्सेस होगा, नहीं तो ऐसे ही उधर ही रहना है, फिर घर में रहना है। तो आई होप गाइस, अभी जिस बंदे का इंतज़ार था वो बंदे भी आ चुका है मुझे रिसीव करने के लिए। मैंने बोला था उसको कि मैं ऊपर ही आऊँगा, गार्लंग में आऊँगा, लेकिन गार्लंग में आने के बाद मैं फ़ोन करूँगा बोला था, लेकिन वो आ चुका है दीपक जी। सो हेलो कर दीजिए दीपक जी। हेलो। ओके, सो दीपक जी है। अच्छा, तपाईँको कम्पनीको नाम के अरे अथवा जो उयो गर्नुहुन्छ? म गार्लंग डाँडा। नहीं नहीं, त्यो क्याम्पिङहरु चाहिँ गर्नुहुन्छ नि? क्याम्प त्यो टोटल जग्गाको नाम गार्लंग डाँडा, अर्गनाइजेसन गार्लंग डाँडा। गार्लंग डाँडा, गार्लंग डाँडा, गार्लंग डाँडाले अर्गनाइज गर्छ। सो गार्लंग डाँडा जगह का नाम भी है, और ऑर्गेनाइज जो कैंपिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी गार्लंग डाँडा से ही ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसका ऑनर या मेंबर जो है दीपक गुरुंग जी। ठीक है, उसका नंबर जो है ना गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में, और वहाँ का अगर ये वेदर क्लियर हुआ तो वहाँ का लोकेशन वगैरह भी बढ़िया से दिखाऊंगा। आई होप लोकेशन अच्छा हो ना दीपक जी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं वही लोकेशन में। और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गार्लंग डाँडा में। पहले तो हम लोग दीपक जी के घर गए, उसके बाद में फिर हम लोग चलते चलते ट्रेकिंग करते करते लगभग 2-3 किलोमीटर हम लोग ऊपर आए, एकदम पूरा ढलाव चढ़ान करते करते हम लोग अभी गार्लंग डाँडा, जो कि व्यू पॉइंट है बढ़िया सा, एक टॉप में है, लेकिन वेदर थोड़ा हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। काफ़ी मतलब लाइक हवा चल रहा है, उसके साथ में फॉग भी है, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके बारिश भी आ रहा है, इसीलिए उतना क्लियर व्यूज़ नहीं है। फिर भी आशा करते हैं थोड़ी देर बाद में वेदर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हवा आ रहा है ना उस तरीके से एक मतलब संकेत मिल रहा है कि थोड़ी देर बाद में वेदर क्लियर होने वाला है। आशा करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और इसके बाद में हम लोग फिर यहाँ पे जो कैंपिंग लोकेशन है ना, ये जो लोकेशन काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। हालांकि यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी जिस तरीके से हम लोग चढ़ाव करते हुए आए, तो यहाँ से हम लोग को पक्का ये मतलब श्योर है, यहाँ से हम लोग को पूरा सिक्किम देखने को मिलेगा, नामची देखने को मिलेगा, कालिम्पोंग देखने को मिलेगा, कंचनजंगा का बढ़िया से व्यूज़ आएगा। ठीक है, व्यू जो है ना कंचनजंगा काफ़ी बढ़िया आएगा, इस तरीके से शायद लोकेशन है। और यहाँ पे देखिए वो लोग का छोटा छोटा सा हॉट वगैरह बना के रखे है, और कैंपिंग का भी वो लोग का जुगाड़ करके रखे। अभी हम लोग जा रहे हैं किचन की ओर, और हाजिर रहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लीड करते हुए दीपक जी, तो दीपक जी ये थोड़ा बता दीजिए ये लोकेशन जो है एक्चुअली कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कहाँ से अगर मतलब सिलगुड़ी से आ रहा है तो कहाँ पे आना है, कहाँ से जाना है, थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको नमस्कार। और अगर आप सिलगुड़ी से आते हैं तो आप लोग को तीस्ता होकर आपको पेसोक आना पड़ेगा फर्स्ट। और ये पेसोक का क्या आप बोल सकते हैं सर के पिक, पेसोक का सबसे ऊपर आपको ये जगह मिलेगा गार्लंग डांडा। इससे ऊपर आपका व्यू पॉइंट है गुम्बा डांडा। आपको आने के लिए सीधा तीस्ता से आने से सीधा आपको चपली टी जो मार्केट है, तो जो दुकान लोग आपको के सामने बहुत सारा दुकान लोग है, दुकान से आपको तकरीबन 20 मिनट वॉक करना पड़ेगा। उसका बाद में आपको सामने होगा गार्लंग डांडा जो कि बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट डेस्टिनेशन गार्लंग डांडा पे आप सब पहुंच जाएंगे। और यहाँ पहुंचने के बाद इसके बाद तो शायद मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने इतना बहुत सारा मतलब बेहतरीन सा जगह है। और ये जगह में आप एक बार आने से मैं इतना तो आपको पक्का बता सकता हूँ कि आपको मतलब नाराज और निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ये दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ दिल खुश हो जाएगा। और दीपक जी आप मेरे को ये भी बताइए कि आप लोग का यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइडेड है। आपको सर्विसेज बहुत मतलब इतना हैवी सर्विस हम नहीं बोल सकता, लेकिन जो एक कैंपेन में एक एडवेंचर में मिलना चाहिए वो सब आप सबके लिए रखा हुआ है। आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए टेंट अवेलेबल मिलेगा और आपको हॉट में भी रह सकते हैं आप लोग। और आपको जो डिनर होगा वो आपके लिए मतलब चिकन डिनर भी मिल सकते हैं आपको। और आप चाहे तो आप कपल्स के साथ आ रहे तो आपको कैंडल नाइट डिनर का भी हम लोग पूरी तरह से व्यवस्था मिलेंगी। और आपको बारबेक्यू और सुबह मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट और टी, ये सब चीज़ का फैसिलिटी जो आपके नीड्स के जो हिसाब से हम लोग ने पूरा तरह से रखा हुआ है। तो इसका थोड़ा आपका फ़ोन नंबर और साथ साथ में ये पैकेज के बारे में यानी कि अमाउंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा अमाउंट है पर पर्सन 1500 है एक्चुअली। और मतलब जिस तरह से आप लोग आते हैं और 1500 तो मतलब ऐसा लगेगा कि आपको 1500 मतलब कुछ भी नहीं है, आफ्टर सर्विस आपको ऐसा फील होगा मतलब। तो फिर आपका कांटेक्ट नंबर भी दे दीजिए जो कि मैं नीचे फ्लैश कर दूंगा। जी बिल्कुल, मैं हमारे ब्रदर्स को मैं आपका मेरा कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, आप उसके थ्रू भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ज़रूर। तो दोस्तों जैसे कि दीपक जी ने कहा कि जो अमाउंट यहाँ पे चार्ज हो रहा है ना, तो ये अमाउंट यहाँ पे आने के बाद में आप लोग को कुछ भी नहीं लगेगा। अगर 10 टाइम्स ज़्यादा आपको सर्विसेज और सुकून मिलेगा मेन तो, क्योंकि ये जो है लाइक एकदम टॉप में है, जिसकी वजह से आपको यहाँ का व्यू पॉइंट 360 व्यू पॉइंट जैसा मिलेगा। तो बने रहे ब्लॉग पे, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा थोड़ा करके शायद क्लियर हो रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं किचन, यो किचन तो को हाँ पूरा एकदम यहाँ पर पूरा देखिए किचन का ऐसा पूरा एडवेंचरस है। यहाँ पर कोई मतलब ऐसे बनावट नहीं है कि आप लोग को यहाँ बड़ा बिल्डिंग वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए यहीँबाट सबै खानापिनाहरू सब यहीँबाट बनाउनु हुन्छ। हावा चल्दैन है यहाँ चाहिँ, मतलब हावा पनि चल्दैन प्लस नेटवर्क पनि आउँदैन। ए नेटवर्क पनि आउँदैन, यो चाहिँ के ढुक्कै बस्छ यहाँ अहिले नि। माथि कस्तो हावा छ यहाँ, के पनि छैन, यही छ सुत्दै त है। रातको जे मौसम हल्का कम्ती छ भने गाइस यहाँ पे आके ना मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील हो रहा है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो पत्थर के ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ, ये पत्थर ना मतलब दोनों तरफ खाई है, एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं, इस तरीके से सिचुएशन है। एक ही रिग्रेट मुझे हो रहा है बस वेदर क्लियर नहीं हो रहा है गाइस। अगर वेदर क्लियर होता ना तो आप लोग को ऐसा बढ़िया यहाँ से ड्रोन फुटेज में देता आप लोग को कि आप लोग ये ड्रोन फुटेज देखने के बाद में कल तुरंत ही आप लोग ये जगह विजिट करने के लिए आते और पूरा एकदम दीपक जी का बुकिंग के ऊपर बुकिंग आता जस्ट जगह पार्ट। तो गाइस यहाँ पे जो लोकेशन है मुझे भी सही में काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन यही है बस अभी वेदर क्लियर नहीं हो रहा है इसीलिए। देखिए पूरा खाई है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉगी की वजह से नहीं देख रहा है। देखिए पूरा एकदम, हाँ ये बंदा माउंटेनिंग बोलने है ये एक पूरा ड्रेसन है। यहाँ देखिन्छ जंगल जस्तो छ है, यस्तो छैन, खाली छैन। क्याम्पेन छ हो, यो माथि ढुङ्गाहरु चढ्ने ढुङ्गाहरु छ, मतलब कस्तो रे चढ्ने ढुङ्गाहरु के मान्छे जाने ढुङ्गा मान्छ कि ताली डेन्जर छ, तर मतलब हुन्छ नि अब एकदम एडभेन्चर के हुन्छ जस्तो लाग्छ। तो जगह जो है ना ये काफ़ी बढ़िया है, वैसे उतना मतलब क्या है, वैसे उतना मतलब अनरिवेली जगह है, ऐसा है। काफ़ी मतलब लास्ट ईयर से दीपक जी यहाँ पे कैंपिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया पैकेज में कैंपिंग का जो दे रहे हैं। और मेन जो चीज़ है, दूसरी जगह कैंपिंग और यहाँ पे कैंपिंग का अनुभव जो है ना, एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अलग लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हालांकि अभी वेदर क्लियर नहीं है इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर मतलब कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आके यहाँ पर लाइक वैसे तो अभी जो टाइम चल रहा है, सीज़न चल रहा है, ये भी ऐसे टाइप का वेदर का टाइम नहीं है, क्या करें, लेकिन यहाँ पर जब ऐसा ही लिखा हुआ है तो वो तो झलना ही है। तो मैं कह रहा था कि दूसरा टाइम भी आके मैं यहाँ पे आके आपको एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा, तो फिर दूसरा ब्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा ये जगह देखने के लिए। फिर भी कल सुबह जो है दूसरा जो है एक टॉप है गुम्बा डांडा, राइट, गुम्बा डांडा में वहाँ पे जाके भी आप लोग को दिखाऊँगा। अगर कल का वेदर क्लियर रहेगा तो वहाँ का ड्रोन फुटेज ज़रूर दिखाएँगे गाइस। हाँ, सो गाइस यहाँ पर साहिल भाई की ओर से हमें ये टॉप पॉइंट में, व्यू पॉइंट में टी सर्व करते हुए। भाई तुम्हारा नाम क्या है? सोहिल। सोहिल, मैंने तो साहिल भगवान है भाई। सो देखिए ये इस्माइली के साथ में चाय भी, तो अभी हम लोग एंजॉय करेंगे यहीं पर चाय का चुस्की लेते हुए, प्रधान ब्लॉग फैमिली विद दीपक जी। तो ये मतलब लाइक भलाई वेदर साथ दे या ना दे, लेकिन हमारे यहाँ पे दीपक जी साथ साथ में सोहेल भाई, बहुत सारा सोहेल है ना कि सोहिल पर बने, हाँ भाई काफ़ी साथ दे रहा है मुझे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो देख रहे होंगे ये पत्थर पे यानी कि स्टोन पे ऊपर बैठ के हम लोग चाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं।